क्या सांप के जहर से बनता है एंटीवेनम? आखिर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर, और इसे बनाया कैसे जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सांप के काटने के बाद उस व्यक्ति को जान बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एंटीवेनम, जो कि सांप के जहर को निष्कृत कर देता है और व्यक्ति की जान बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव, इन्होंने एंटीवेनम के प्रोसेस को शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि एंटीवेनम कैसे बनता है और इसमें सांप का जहर यूज़ होता है कि नहीं। तो इन्होंने बताया कि एंटीवेनम बनाने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और साइंटिफिक है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है सांप का जहर प्राप्त करना, और इस काम को काफ़ी ट्रेंड एक्सपर्ट सावधानी से करते हैं। उन्हें स्नैक मिल्किंग कहा जाता है, जिसमें सांप को एक विशेष ग्लास कप में काटने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उसका जहर निकाला जा सके। जहर को प्राप्त करने के बाद इसे कुछ शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और फिर इसे बहुत छोटे मात्रा में जानवरों में, जैसे कि घोड़े या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। यह जानवरों का इम्यून सिस्टम जहर के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है, जो कि बाद में उनके खून में बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो एंटीबॉडी उन जानवरों के अंदर तैयार किया गया था उसको उन जानवरों के खून से निकाला जाता है और फिर उसे शुद्ध किया जाता है, और फिर यही एंटीबॉडी एंटीवेनम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के सांपों के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीवेनम बनाए जाते हैं, क्योंकि हर सांप का जहर अलग अलग प्रकार के विषैले तत्वों से मिला होता है। देखिए, यह वह प्रक्रिया थी जिसके थ्रू सांप के जहर से एंटीवेनम प्रिपेयर किया जाता है। अभी एंटीवेनम जरूरी क्यों है ये भी जान लीजिए। देखिए, एंटीवेनम व्यक्ति के शरीर में जहर को फैलने से रोकता है और उसे न्यूट्रल करता है। बिना एंटीवेनम के जहर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि इंसान की मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए किसी भी सांप के काटने के बाद जल्द से जल्द एंटीवेनम लेना बहुत ज़रूरी होता है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।